وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاعِ إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हौज़बिल्ल बिसमिल्लानरहिम क़ुरान हकीम के पहले पारे की तफसीर का ख़ुलासा पेश किया जा रहा है। पहले है बसमिल्लर ये आयत करीमामा बज़ात ख़ुद एक मजजा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जितने हरूफ़ हैं मकर्रत को हजफ कर दिया जाए तो दस हरूफ़ बचते मकररत में जो डबल हैं जैसे अलिफ है वो तीन मरतबा आया है चार मरतबा पाँच तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जितने हरूफ हैं जो डबल आए हैं उनको अगर हसफ कर दिया जाए तो दस हरूफ बचते हैं और अजीब बात ये है कि कोई आयत कुरान हकीम की ऐसी नहीं है जिसमें इन दस हरूफ में से कोई हर्फ मौजूद ना हो खुद मोजा है यह मकर्रा को हस करने के बाद दस हरूफ बचते हैं कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिस आयत में इन दस हरूफ में से कोई हर्फ मौजूद ना हो जी जी बसात खुद एक मजजा है अच्छा यहाँ अल्लाह के बाद रहीम है हुँ? और वहाँ अल्हमदिल्ला रब्बिल आलमीन अर्रहमान ये तकरार बेजा नहीं है कहते हैं ये तकरार है ये अर्रहमान रह रही बिस्मिल रहमान रहिम और फिर रब्बिल आलमीन अर्रहमान रह रहीम तकरार है तो ये तकरार बेजा नहीं है क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहीम में उलूहियत का जिक्र है उसके बाद अर्रहमानिर्रहीम यानी अल्लाह के बाद उलूहियत के बाद अर्रहमानिर्रहीम रहीम है और यहां मकाम रबूबियत के सियाक में अर्रहमानिर्रहीम को जिक्र किया गया है देखो बिस्मिल्लाक Allah और यहां अल्हद रबीन रहीम तो में उलूहियत के साथ उसका जिक्र किया गया है और सूरह फातिहा में आगे मकाम रबूबियत के बाद आलमीन के बाद अर्रह रहीम कहा गया है जिक्र किया गया है उसके बाद हम ये देखते हैं कि रब्बिल आलमीन ये जुमला इस्मिया है ये जुमला फेलिया नहीं है जुमला इस्मिया का मतलब होता है कि कोई चीज कंटिन्यूस हो बीच में इनकेता ना हो अल्लाह ये कह रहा है कि मेरी तारीफ और मैं महमूद हूं काबिल तारीफ हूं मुंजुल अजली अबद। अजल से लेकर अब तक मैं महमूद मैं काबिल तारीफ जी चाहे कोई हामिद हो या ना हो तारीफ करने वाला हो या ना हो कोई जमाना हो या ना हो मैं अजल से लेकर अब तक महमूद हूं काबिल तारीफ अल्लाह अच्छा अरबी में मदह माने भी होता है तारीफ और हमद माने भी तारीफ होता है तो यहां मदह न ला करके हमद लाया गया ये जान लो के हमद सिर्फ जिंदा के लिए होती है जी और मध जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए होती है तो हमद ला करके बताया गया कि अल्लाह तबारक वाला जिंदा है जी इसीलिए यहां मध नहीं लाया गया इसलिए कि लफ्ज मध मुर्दा और जिंदा दोनों के लिए लाया जाता है लेकिन हमद सिर्फ जिंदा के लिए आता है इसलिए वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद कहा गया रबिल आलमीन रब जानते किस को बोलते रबाब कहते हैं सहाबुन अबियज उसका माधब भी रेबे और रब का माधब भी रेबे रबाब पानी भरे हुए बादल को कहते हैं और आपको मालूम है कि इस बादल में जो पानी होता है वो जब बरसता है तो उस पानी की वजह से नबातात में नशोनुमा होती है जी गोया ये पानी जो रबाब में है बादल में है ये पानी नबातात के नशोनुमा का बाइस है ऐसे ही अल्लाह रब है कायन का जर्रा जर्रा सिर्फ उसी की रहमतों की रबूबियत की बारिश की वजह से पल रहा है जैसे रबाब बादल को कहते हैं और बादल में जो पानी होता है वो जब बरसता है तो नबाता, दरख्त वगैरह ये सब बढ़ते हैं इनके अंदर नशुनुमा होती है ऐसे ही रब है के वही सब को पाल रहा है जी और रब किसको कहते हैं किसी को रब नहीं कहा जा सकता और रब इजाफत के साथ बोल सकते हैं रबुलबैग रब घर का रब घर का मालिक रबुल सफीना कश्ती का रब लेकिन अगर वाहिद बगैर इजाफत के जिक्र किया जाता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए आता है जी जी तो रब किसको कहते हैं किसी चीज को जिस चीज की जरूरत हो और जितनी जरूरत हो और जहां जरूरत हो पहुंचा देना यह रबूबियत है फिर <laughs> से रिपीट करता हूं किसी चीज को किसी चीज की किसी जगह जितनी चीज की जरूरत हो पहुंचा देना यह रबूबियत है मां के पेट में तीन तीन तारीखियों के अंदर अल्लाह तबारक वाला वा पालता है इंसान को तुम्हारी के पेटों में तुम्हारी तखलीक करता है वो फी सलास तीन तीन अंधेरे होते हैं अल्लाह फरमाता है, अल्ला है मखलूक कोई भी हो वो जब कोई चीज बनाती है तो उजाले की मोहताज होती है जी अंधेरे में कोई चीज नहीं बना सकती कैसे बनाई हो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो गोया किसी चीज को बनाने के लिए उजाले की जरूरत है रोशनी की जरूरत है अल्लाह फरमाता है मुझे किसी चीज की तखलीक के लिए उजाले की जरूरत नहीं है मैं तीन तीन तारीख तुम एक अंधेरे में नहीं कोई चीज बना सकते मैं तीन तीन अंधेरों में ऐसी चीज की तखलीक करता हूं कि कोई वैसी तखलीक कर ही नहीं सकता इंसान जैसी तखलीक कहां है लकत खलत में अहसनी तकवीम सबसे बेहतरीन जो तकवीम होती है सबसे बेहतरीन साख वो हम तीन तीन अंधेरों में बनाते हैं एक तो रहीम है वो बच्चेदानी इसको बोलते हैं रहीम जी, जी उसके अंदर रहता है फिर रहीम के ऊपर मशीमा होती है खेड़ी जिसको बोलते हैं और फिर उसके बाद पेट तीन तीन आड़ है तीन तीन तारीखियां हैं और अजीब बात तो यह है कि इन्हीं तीन तारीखियों के अंदर हजरत अलैहिस्सलाम भी थे जब मछली ने उनको निगल लिया था एक तो मछली के पेट का अंधेरा और दूसरे दरिया के पानियों का अंधेरा और तीसरे रात का अंधेरा और मछली के पेट से पुकार रहे हैं इला मछली के पेट में है तीन तीन तारीखियों में है और उनकी आवाज अर्श वाला सुन रहा है अल्लाह लाहबर डायरेक्ट सुन रहा है किसी वसीले की जरूरत नहीं उसे लाह हमारा रब है तीन तीन तारीखियों के अंदर तुम्हारी तखलीक करता है और तुम्हें उस जगह जिस चीज की जितनी जरूरत होती है पहुंचाता है इसी वजह रब है वो वहां ना डॉक्टर का कोई दखल है ना बाप का कोई दखल है ना माँ का कोई दखल है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक वाला ही अपनी रबूबियत को जाहिर करता है वहां और इंसान जब बाहर आता है मां के पेट से तो कहता मेरी दुकान मुझे पाल रही है <laughs> मेरा धंधा मुझे पाल रहा है अल्लाह और जिसने तुमको तीन तीन तारीखों के अंदर महा जितनी चीज की महा जरूरत पड़ी वो उसने मुहैया किया उसको भूल गए तुम तो। कितने ना शुक्र और कितने गए गुजरे हो तुम जी कि इतने बड़े मोहसिन का एहसान करने वाले के एहसान को तुमने भूल भुला दिया तो किस कदर नाशुक्र हो अल्लाह ने इसी वजह से फरमाया इन नेमत अल्लाह ला तो इनल इंसान उनका कफार के अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते इंसान कितना बड़ा नाशुक्रा है कितना बड़ा जालिम है बोलता है अल्लाह तुम बाहर निकलता है तो कहता है मेरी दुकान मुझे पालती है मेरा धंधा मुझे पालता है कदर एहसान फरामोश है इंसान जीमदुल्ला है अल्आलमीन। अल्आलमीन के जितनी भी हैं, सब मखलूक है उसकी और अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं सबको पाल रहा है सबका रब है वो एक पत्ता गिरता है तो उसको मालूम होता है वो पत्ते को भी नशो नुमा देता है जी।

الخلق خالق كل شيء. तमाम चीजों की तदबीर करने वाला कदम कदम पर तुम अल्लाह की तदबीर के मोहताज हो जी कार आ गई सामने और अचानक तुम्हारे सामने से उसने डाइवर्ट ले लिया डाइवर्शन ले लिया बच गए तुम नहीं तो सीधे कार की जद में थे तुम बचाया किसने अलमुदबी जमीउल जब तक जिंदा रखना है तब तक हिफाजत करता है जी, तो खाली शही, हर चीज का पैदा करने वाला दूसरे शही, हर चीज का मालिक और अल-तदबीर, मुदबिर तमाम कायनात की तदबीर करने वाला हुई तो मशत सलासत रब अल खल अल मिल्क तदबीर जी मिल्क ये देखो यहां मालिकी मिद्दीन कहा गया मालिकी मिद्दीन एक होता है मालिक और एक होता है मलिक दोनों कराते यहां यूं भी पढ़ा जा सकता है मालिकिय उमदीन है यूं भी पढ़ सकते हैं मलिकी उमिद्दीन ये करात भी सही है गलत नहीं है अगर कोई पढ़ता है तो नमाज में या कहीं भी पढ़ सकता मालिकिय उम्मिद्दीन मालिक और मलिकियमद्दीन मलिक भी पढ़ सकता है मालिक माने मालिक और मलिक माने बादशाह मालिक और मलिक में फर्क समझते हैं मालिक कहते हैं अंततम लिक आप किसी चीज के मालिक हैं जैसे एक ग्लास है। इसका मैं अच्छा, मालिक हूं अच्छा मलिक किसको कहते हैं अंततमलिको मन लिक जो मालिक है उसके आप मालिक हैं तो बादशाह है वो नहीं समझे आप किसी चीज के मालिक हैं जैसे एक ग्लास ये मेरी मिल्कियत में है तो मैं इसका मालिक हूं अच्छा और ये गिलास जिसका हो मेरी मिलकियत में ना हो एक गिलास किसी का हो कोई दूसरा इसका मालिक है और मैं उसका मालिक हूं, तो मैं मलिक हो तो मालिक कहते हैं अंत तो शयन किसी चीज का आप मालिक है और मलिक अंत तम्बलिक तो मई आप मालिक है उसके जो मालिक है आप मालिक के मालिक है तो मलिक और आप किसी चीज के मालिक है तो मालिक है। तो अल्लाह तबारक बता रहा हर चीज का मालिक है और जो भी इंसान जो भी मखलूक किसी चीज की मालिक है उस मखलूक का भी मालिक है सोचो मलिक है अच्छा यह फर्क है मालिक में और मलिक में अर्रहमान और रहीम में फर्क क्या है अर्रहमान कहते हैं जैसे वल समुंदर हो रहम का एक मिसाल है अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं दी जा सकती एक समुंदर है बिल्कुल पानी से भरा हुआ है एक कुआं है जो पानी से लबालब भरा हुआ है तो कोई चीज भरी हुई हो किसी चीज से तो वो फालान के वजन पर आती है अतशान मैं बहुत प्यासा हूं तो रहमान के वजन पर फालान के वजन पर जो चीज आती है उसका मतलब है कुछ चीज भरी हुई है अब सवाल ये पैदा हुआ ये जो कुआ है रहमत का भरा हुआ क्या कभी सूख जाएगा तो रहीम से उस सवाल का जवाब दिया गया नहीं जो इस्तेमरार के ऊपर दलाल करता है सिफत मुशबाल जो बराबर यानी ये रहम कभी भी खत्म नहीं होगा सवाल पैदा हो सकता था कि भाई रहमत का कुआ है लबालब भरा हुआ है कभी ये सूख सकता है तो रहीम ने उस सवाल का जवाब दिया अल्लाह का रुआ कभी भी सूखने वाला नहीं है ये रहमत है है जी जी जो तो जो सवाल उठा था रहमान से रहीम ने उसका जवाब दिया और ये रहमान ऐसा प्यारा लफ्ज है ये सिर्फ आएगा तो तन्हा आएगा और अगर मिल करके आएगा किसी सिफत के साथ तो एक सिफत के साथ आता है अर रहीम के साथ बाकी और किसी सिफत को कबूल नहीं करता ये जी अर रहमान अल्लमल कुरान जी अर रहमान आया तन्हा है वो लेकिन जब किसी सिफत के साथ आता है तो किसी और सिफत को कबूल नहीं करता सिवाय रहीम के अर रहमान रहीम सिर्फ रहीम के साथ आता है आएगा तो तन्हा आएगा और आएगा किसी सिफत के साथ सिर्फ तो इसी सिफत के साथ आएगा जी जैसे अर रहमान अल कादिर अर रहमान अल मालिक अर रहमान अल खालिक इसके साथ नहीं आता किसी के साथ नहीं आता ये सिर्फ रहीम के साथ ही आएगा जी अच्छा रहमान रहीम जब कहा गया तो बंदे ने सोचा आहा, आहा, अल्लाह इतना रहीम है बेपाया और बेकर और उसकी रहमत कभी खत्म होने वाली नहीं तो फूल गया आहा, फूल गया अब इतना रहीम है तो बख्श दिया जाऊंगा मालिक उम्मीदीन कह करके उस गुब्बारे की हवा निकाल दी गई है जी रहमान रहीम से जो हवा भर गई थी उस गुब्बर की हवा निकाल दी गई है मालिकी उम्मीदी बदले के दिन का मालिक है जी जो तुम कर रहे हो तुम्हारे हर अमल का तुम्हें हिसाब किताब देना है जवाबदेही करनी है तो रहीम से आदमी को जो तरहीब मिली थी आगे तरहीब जिक्र करके उसे खबरदार किया गया कि देखो मनमानी जिंदगी यहां नहीं गुजारना इसलिए कि तुम्हारे हर हर अमल का हमारे यहां जवाब देना अच्छा ये योम जो है योम योम ये कितने साल का है तो मुसरत अबूयाला की एक रिवायत है कि ये एक दिन दुनिया के पचास हजार साल के बराबर है अल्लाह अकबर पचास हजार साल के बराबर है एक एक रिवायत तो ये है मुसरत अबूयाला की पचास हजार साल के बराबर लेकिन मोमिनों के ऊपर इस तरह गुजर जाएगा जैसे नमाज का एक वक्त इसका मतलब है कि वक्त का बढ़ना और घटना इसका ताल्लुक एहसास से जी आदमी को कोई बीमारी हो एक एक घंटा एक एक दिन के बराबर लगता है और आदमी खुशहाल हो तो कहता है अरे इतनी जल्दी वक्त गुजर गया इसका मतलब वक्त के बढ़ने और घटने का ताल्लुक एहसास से तो अबू अबूयाला की रिवायत है कि कयामत का जो दिन होगा वो पचास हजार साल के बराबर होगा दुनिया के अयाम के मुकाबले में और मोमिनों के ऊपर इस तरह गुजर जाएगा जैसे नमाज का एक वक्त हो ये बात अच्छा एक रिवायत और है वो रिवायत है कि यद खुल कराऊ अल जन्नत कबल अग्नियाई बेखम सिमत आमिन ये देखो कि कयामत के दिन गरीब लोग जन्नत में अमीर लोगों से 500 साल पहले चले जाएंगे 500 साल अरे पांच दिन होता पांच घंटा होता तो कुछ सोचने जैसी बात होती है? पैसे बना रहे हो बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे हो 500 साल में ठहरे रहो और उसके बाद ये जो गरीब लोग हैं मजे कर रहे हैं जन्नत के अंदर तो यद खुल अल जन्नत कबल आई कितने दिन बेखम सिमत आमिन पांच सौ साल पहले और, और कहा जा रहा है निस्फ होगा। तो गोया कि एक एक इसी वजह से एक आयत में है वही यौमन इंद रबिक तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन जिस दिन को तुम दुनिया में शुमार करते हो एक हजार दिन के बराबर एक दिन है बहरहाल दोनों तरफ गए हैं लोग उसके बाद देखो ऐसे था तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो आलमीन है जो बेपाया रहम करने वाला है बहुत ही मेहरबान है रहीम है जो बदले के दिन का मालिक है ये कलाम जो है गैबत में चल रहा है गाइब में और डायरेक्ट कह दिया गया कि अबोदू हम तेरी ही इबादत करते हैं डायरेक्ट कलाम गैबत से तकल्लुम की तरफ फिर गया है क्या मतलब पता ये चला कि जब आदमी इबादत के लिए खड़ा हो और जब अल्लाह से मांगने के लिए खड़ा हो तो ऐसा एहसास हो जैसे वो रब के सामने खड़ा हुआ है जी इसी को मकाम एहसान कहते हैं हदीस जिब्रिल में ही कहा गया अल-हसन अल्लाहसानता तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो अब जाहिर है कि ईया का नाबुद हम तेरी ही इबादत करते हैं सामने है ना अल्लाह सामने अल्लाह उससे आप कह रहे हैं हम तेरी अच्छा देखो तीन जुमले होते हैं मैं तेरी बीवी हूं एक मैं तेरी भी बीवी हूं और एक मैं तेरी ही बीवी हूं कौन सा जुमला चलेगा मैं तेरी भी बीवी हूं कितनी खतरनाक बात है शौर फौरन जूता उड़ाएगा चल निकल यहां से और किसी की भी है क्या है? तेरी भी बीवी हूं और तेरी बीवी हूं हो सकता है किसी और की भी हूं लेकिन जब कह दिया तेरी ही बीवी हूं तो यह हसर हो गया जी तो यह तीसरा जुमला चलेगा यह तीसरा अल्लाह तबारक ने इका को पहले ला करके इसी हसर को बयान फरमाया है हम तेरी ही इबादत करते हैं यानी तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते और ये कैसे कह रहे हैं आप अल्लाह सामने है बिल्कुल ईया का हम तेरी बात अल्लाह से बोल रहे हैं आप इया का ना बुद्ध इसका मतलब ये हुआ आदमी जब अल्लाह की इबादत करे तो ऐसा लगे जैसे वो अल्लाह के दरबार में खड़ा हुआ हो अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हो और जब मांग रहा हो वही और तुझ ही से मदद मांगते हैं जब अल्लाह से मदद मांगे तो ऐसा लगे जैसे अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हो जी तो जब अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है तो मांगने के लिए ये जो बातें कही जाती है अकली ढकोसले लाए जाते हैं कि बुजुर्गों का वसीला है फला बड़ी शख्सियत का वसीला मैं कहता हूं जब सामने रब है और तुम उसके सामने करो बीच में वसीला कहां से आया वसीला कहां से आया तो ईया का नाबुदू व्या का नास्ता ने खुद वसीले के रद्द कर दिया है ईया का नाबुद हम तेरी ही इबादत करते बंदा है रब है बीच में कौन है कोई नहीं जी ईया का नाबुदे तुम मांगो तो ऐसा लगे जैसे रब के सामने खड़े हो एहसास हो और जब इबादत करो तो ऐसा एहसास हो कि हम रब के सामने खड़े हुए हैं इबादत किसको कहते हैं इबादत फेलो मा बोले इबादत हर वो काम जिससे रब राजी हो जाए वो ले बात इसको याद रखो तारीफ याद रखो ये की, है कि फेलो मा यर्जा फिर से रिपीट करता हूं फेलो मा यर्जा बिहिल्लाहु अल्लाह जिस काम से राजी हो जाए खुश हो जाए वो इबादत है जी तो हर वो काम जो आप करें इबादत के तौर पर करें जिससे अल्लाह हो। उसके बाद कहा गया मुस्तकीम। हिदायत की चार किस्म अच्छा अजीब बात यहां यह है एक होता है हदयत तरीक एला के साथ याद तो कोई नहीं है एह दीना नहीं है एह दिन गौर करें एक होता है का मुस्तकीम सरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत क्या मतलब इसको कहते हैं हिदायत इर्शाद आपको सिकंदराबाद जाना है स्टेशन जाना है अब आप आपको मालूम नहीं कि जाना कैसे तो आप पूछते हैं किसी आदमी से भाई मुझे सिकंदराबाद स्टेशन जाना है रेलवे स्टेशन जाना है वो बोलता है यहां से यहां चले जाओ फिर यहां से यहां चले जाओ फिर इस तरीके से वो आप स्टेशन पर पहुंच जाएंगे यह हिदायत है इर्साद इला आता है लेकिन यहां इला नहीं है बगैर इलाके आए हदय तारीख बगैर इलाके तो मतलब यह होता है आप उसका हाथ पकड़ें गाड़ी में बिठाएं और सीधे स्टेशन पर छोड़ दें तो आप जब दुआ करते हैं दिन शरातल मुस्तकीम मेरे रब मुझे सिर्फ रास्ता मत दिखा मैं भटक सकता हूं मेरे रब मेरा हाथ पकड़ ले और मंजिल तक पहुंचा दे वाले तो। ये दुआ मांगते हैं आप एह दिन शरातल मुस्तकीम मेरे रब सिर्फ रास्ता मत बता मैं भटक सकता हूं शैतान उस रास्ते पर खड़ा हुआ है मुझे भटका सकता है तो मेरे रब मैं बार दुआ करता हूं। और ये पूरी शरीयत में जितनी दुआएं हैं, सारी दुआएं मसनून हैं यह दुआ मफरूज है फर्ज है यह दुआ जी इसलिए बगैर सूर्य फातिया की नमाज नहीं होती इसलिए कि यह दुआ छूट जाती है जी ये दुआ दुआए मफरूज दुआ है, है। फर्ज ही है आपको जी करना ही है ये दुआ फर्ज है और नुकता यह मिला कि अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हिदायत है इसी वजह से हिदायत की दुआ को फर्ज कर दिया गया कि मांग हिदायत और यह मांग किया है अल्लाह मेरा हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा दे हदायतों का इलतना इलज सरात मुस्तम नहीं है जी तो हिदायत इर्शा दिया रास्ता बता देना और हिदायत बमाना ईशा मतलूब हाथ पकड़ करके कर मंजिल तक पहुंचा देना वही दुआ यहां की जाती है जी और तीसरी होती है हिदायत तोफीक ए ये बहुत जरूरी है हिदायत तोफीक हिदायत तोफीक का मतलब होता है आपको तोफीक दे दी जाए किसी चीज की जी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के सिरहाने आकर बैठ गए उनके मौत का वक्त था वो वो फिल्म कहा कि मेरे कान में आप कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से इस कलमे के कहने की वजह से मैं अल्लाह से दरखास्त करूंगा आपकी बख्शिश की उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे मुझे आर पसंद नहीं। नार पसंद आर पसंद 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 नहीं नहीं है है नार कि मेरे मरने के बाद के मौत के डर कहते ही मेरे बच्चे मुझे नार पसंद है आर पसंद नहीं और वो अपने बाप दादा की दीन पर मर गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ इसलिए कि आप चचा से बड़ी मोहब्बत करते थे और चचा भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे अबू तालिब बहुत दिलगीर हुए आप आए तुतरी एह हमारे हबीब आप जिससे मोहब्बत करें उसे हिदायत नहीं दे सकते आप गोया हिदायत ये मेरा काम है आपका नहीं आपका काम नहीं है ये आपका काम सिर्फ बता देना है मंजिल तक पहुंचाना यह हमारा काम है इन ना दी मारा तोफी देना यह हमारा काम है हमने आपके चचा को तोफीक नहीं दी हिदायत की ज़्यादा उन्हें हिदायत नहीं मिली यह हिदायत तोीक है और एक है हिदायत तस्वीत हिदायत मिल जाती है लेकिन रूट से हट जाते हैं लोग सर चले सरात मुस्तकीम पर लेकिन सरात मुस्तकीम से हट गए तो दुआ करो अल्लाह हिदायत पर साबित कदम रख ये दुआ ये बात हजरते ये जो असाब कहफ हैं हजरत असाब कहफ के बारे में कही गई है जी क्या कहा गया हमने उनको दे हुदा अल्लाह तबारक व ताला ने उनको हिदायत दी और उनकी हिदायत को ज्यादा किया अलल हुदा हिदायत पर उन्हें साबित कदम रखा जी हुकूमत वक्त से नहीं डे जी Allah ने उनको हिदायत तो साबित कदम रखा तो हिदायत की चार किस्म है हिदायत है इर्शाद हिदायत है लल मतलू, मंजिल तक पहुंचा देना और हिदायत है तोफीक और एक है हिदायत ये चार हिदायतें सीधा रास्ता जो होता है ना सिरात के साथ मुस्तकिम लाया गया सीधा रास्ता जो होता है ना सबसे शॉर्ट होता है जी देखो नुकता ए से नुकता बी तक ये नुकता ए है ये नुकता बी है आप जितनी लाइनें खींचेंगे जो सबसे सीधी लाइन होगी जो सबसे छोटी होगी वही सीधी होगी जो सीधी होगी एकदम वही बिल्कुल शॉर्ट होगी जितनी आप टेढ़ी करेंगे ऐसे 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 जितना ऐविजाज बढ़ता जाएगा उतना रास्ता लंबा होता जाएगा जी शॉर्टकट जो होता है ना नुकता ए से नुकता बी की तरफ जितनी लाइनें आप खींचेंगे उसमें जो बिल्कुल सीधी रहेगी वही सबसे शॉर्ट होगी

उन्हीं के रास्ते पर चलो वो मंजिल तक पहुंच गए तुम भी मंजिल पर पहुंच जाओ शर्त कि इन्हीं के रास्ते पर चलो जिनके ऊपर अल्लाह का नाम हुआ है। उनके रास्ते पर न, म, न चलो जो मकजूब देखो मकजूब था, था माना नहीं अमल था उनके पास लेकिन माना नहीं उन्होंने और ये, ये इनके पास इलम ही नहीं था लमू। उनके पास इलम ही नहीं था सिर्फ अमल था और ये तीसरा जो पहला वाला है इनके पास इल्म भी था अमल भी था लिहाजा कोई भी काम करो इल्म की रोशनी में करो जी अंधे बहरे होकर नहीं गिरना किसी चीज पर जी। अलिफ ला मीम ला फी किसको कहते हैं तकवा, याद रखो उसको याद रखो तकवा का मतलब है लाक ला अल्लाह यह है, है। अल्लाह उस जगह पर तुम्हें ना देखे

तुम्हें और वला का अमारक। और जहां हुक्म दिया जाने का वहां से गायब मत होना तो जहां मरा से गायब हो जाओ और जहां हुक्म दिया जाने के लिए गायब पहले ईमान आया ईमान असल है ईमान किसको बोलते हैं ईमान कहते तस्दीक को दिल से मान लेना जैसे हजरत याकूब के बेटे यूसुफ को में फेंक कर आए रोते हुए वो बताऊंगा मैं कैसे रोते हुए क्यों आए और शाम को क्यों आए वो हम सूरह यूसुफ की तफसीर में बयान करेंगे तो कहने लगे कि हम लोगों ने अपने सामान के पास यूसुफ को छोड़ दिया और भेड़िया और खा गया वावल आप हमारे ऊपर ईमान लाने वाले नहीं अगर हम सच बोल रहे हैं देखो ईमान यहां तस्दीक के माने में आप दिल से नहीं मानेंगे उसको अगर हम सच कह रहे हैं देखो ईमान का मतलब यहां है तस्दीक करना दिल से मान लेना यह तो है लोगत में अच्छा ईमान शरीयत में किसको बोलते हैं यह याद रखो दो मरतबा रिपीट करते दो मरतबा बोलता हूं उसको अच्छी तरह याद करो कुल्लु मा रसूल जो चीजें रसूल लाए हैं जितनी भी लाए हैं रसूल पर एतमाद करके दिल से मान लेना जबान से इकरार करना और आजाब जवारे से अमल करना ईमान शरीफ शरी बोलते हैं फिर से बोलो कुल माजाबी रसूल रसूल जितनी बातें लाए हैं जितनी चीजें तुमसे कही हैं उन तमाम चीजों पर रसूल पर एतमाद करके दिल से तस्दीक करना ज़बान से इक़रार करना और आजा व जवारे से अमल करना यह है ईमान शर्फ ये रसूल पर एतमाद करने का क्या मतलब है अल्लाह अकबर नुकता ही देखो। अगर कोई आदमी यह कहे कि मैं तोहहीद को मानता हूं रिसालत को मानता हूं लेकिन नबी के तरीके पर तोहहीद और रिसत को नहीं मानता मैं फलासफा के दलाइल अकलिया के बिना पर मानता हूँ तोहिद रिसालत नहीं है ईमान भी नहीं है इसलिए कि आपने रसूल पर ऐतमान नहीं किया ना ईमान के बाब में जी अगर आप ये कहते हैं मैं तोहैद और रिसालत को मानता हूं मगर नबी के ऊपर एतमाद करते हुए नहीं नबी के बताए हुए तोहहीद और रिसालत पर नहीं बल्कि फलासफा के दलाइल अकलिया की बुनियाद पर मैं मानता हूं ये तो ये ईमान है ही नहीं सिरे से जी अच्छा उसके बाद कहा गया यकीम यानी ईमान की असास तोहीद है ईमानियात और ईमानियत में सबसे आला क्या है तोहहीद और तोहीद का अव्वलिन मजहर क्या है नमाज है तोहहीद आदमी के पास और नमाज ना पढ़े सवाल ही पता नहीं होता गोया ईमानियात ईमान का, का सबसे पहला मजहर यह नमाज है और यही वजह है कि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा अच्छा सर नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा गया बहुत गौर से सुनो इसलिए कि नमाज से इसका ताल्लुक है बहुत गौर से सुनो आज लेकर जाओ जी क्या नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है एक करने के लिए कहा नमाज की एकामत होनी चाहिए। चाहिएमूनता युसल्लू नहीं कहा गया? एकामत। एकामत किसको बोलते हैं गिनो नमाज कब मुकीम होती है नमाज कब मुकीम होती है एकामत कब होती है नमाज दायमून हाफिजून कानतून खाशून ये चार चीजें अगर मौजूद हैं नमाज की एक आवत होती है तब सलात नहीं समझे जी एक दाइमून जुमा जुम्मा में नहीं जुमा जुमा नहीं चलता ए? वो कुछ लोग बोलते नहीं सात की तीन सौ तीन सौ साठ की और खाट के ऐसा कुछ बोलते हैं ना तो नमाज दायमी तौर पर पढ़ना है आपको मुसलसल पढ़ना है सिर्फ जुमा जुमा नहीं पढ़ना है कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े दायमून मुसलसल पढ़ना है ये तो वह दायन और युहाफिजून यूहाफिजून का मतलब है वक्त के ऊपर पढ़ना इन सलामोमिन किताब मोकूता यूहाफिजून जी वक्त के ऊपर पढ़े ये हुआ यूहाफिजून हाफिजून दायमुन और हाफिजून दो चीजें समझनी है खाश खशा का मतलब होता है खशा का मतलब तातारासहू और इसी वजह से कहता ततामना ततामना का मतलब होता है सर झुकाना ऐसे ऐसे सर झुकाना इसी वजह से कहते हैं अल अर्दुल मुतमिन नहीं अल अर्दुल मुनखफिजा यानी जमीन जो पस्त हो ऐसे ये ये पस्त जमीन है ऐसे ऐसे ये पस्त जमीन है ढलान है जमीन पस्त है तो उस जमीन को अल अर्दुल मुतमिन ना कहते हैं अल अर्दुल मुतमिन ना तो ऐसे ही तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ और क्या झुकना पहले दिल दिल झुकना तुम्हारा इसको कहते हैं खुशू और जब दिल झुक जाएगा फयत बाहू खुशू उलझवारे तो इसी के ताबे होकर के आजाए बदन भी खुशी में आ जाएंगे जी तो पहले आपका दिल झुकना चाहिए से। जैसे पस्त जमीन होती है ऐसे ही अल्लाह के सामने दिल झुका हुआ हो है। इसको कहते है खुशु। अच्छा और चौथी चीज बहुत खतरनाक है बहुत जबरदस्त कानीतून कानीतून का मतलब बोला इबादत में इस तरह मशगूल होना कि कुछ याद ही ना रहे उसके अलावा जैसे आप कोई पसंदीदा खेल देखते हैं जैसे क्रिकेट देख रहे हूं तो आपकी निगाह सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर होती है कौन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है यानी आप गिरदो पेश से बिल्कुल बेखबर होते हैं जी आपकी पसंदीदा चीज सामने आपका पसंदीदा खेल आपके सामने है और आप इस तरह उस खेल में मग्न है कि गिरदो पेश की आपको खबर नहीं है तो अल इश्तगाल बिल इबादा वरफुलवा नमाज में इस तरह आप मशगूल रहे कि आस पास कुछ दिखाई ना दे जी अलीगाल बिल इबादा तो नमाज जब कायम होती है तो कैसे होती है जब चार चीजें पाई जाए हाफिजून और, और कानित चार चीजें हूं तो नमाज सीधी होती है इसी वजह से किसी इंजीनियर से कहा जाए कि एक पिलर को मुस्तकम करना है जी मुस्तकीम करना है तो अगर हर तरफ से 90 डिग्री का अफजाविया बन जाए दैट इज़ कॉल्ड मुस्तकीम, वो पिलर मुस्तकीम है जी 90 डिग्री का अफजाविया बनना चाहिए एंगल कैसा हो 90 डिग्री का बिल्कुल मुतवजह मेरी तरफ बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूँ अल्लाह फरमा रहा है इन अल्लाह कुल्लिश इन कदीर अल्लाह हर चीज पर कादिर है एक साहब ने एक से पूछा अल्लाह हर चीज पर कादिर है हर चीज कर सकता है बोले यस कर सकता है तो सवाल कर रहा है एथिस्ट क्या तुम्हारा अल्लाह अंडे के अंडे की सफेदी और अंडे के छिलके के दरमियान जो बारीक सी झिल्ली है फिर से बोलता हूं अंडे के अंदर जो सफेदी है अंडे की सफेदी और अंडे की जो उसका जो खोल है इनके दरमियान जो बारीक सी सफेद झिल्ली है बहुत कमजोर सी क्या पूरी कायनात को उसमें बंद कर सकता है यह सवाल था उसका इंद अल्लाह इन कदीर पर उसका एतराज था अल्लाह हर चीज पर कादिर बोली यस तो कहा कि अंडे के खोल और अंडे की सफेदी के दरमियान जो बारीक झिल्ली है क्या अल्लाह कादिर है कि पूरी कायनात को उसमें बंद कर सके समो सके क्या जवाब होगा जवाब मुझे ऐसे कोई आलिम था उसने जवाब दिया जवाब यह है कि तुम्हारा सवाल अल्लाह तबारक व ताला की क़ुदरत से मुतालिक नहीं है बल्कि झिल्ली की सलाहियत और उसकी काबिलियत के ताल्लुक से है अल्लाह <गगगा> कादिर है कि झिल्ली के अंदर पूरी कायनात को बंद कर सके झिल्ली से पूछो तेरे अंदर सलाहियत है पूरी कायनात को समोने की तो तेरा ये सवाल अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से मुतालिक नहीं है बल्कि तेरा यह सवाल वो झिल्ली की बारीक झिल्ली की काबिलियत और सलाहियत से उससे पूछ तू कायनात को समझ सकती है यह पूछ पहले तो ये तेरा ये सवाल अल्लाह तबारक वाली की कुदरत के तालुक से नहीं है बल्कि उस झिल्ली की काबिलियत और सलाहियत के तल्लु से अल्लाह अच्छी है अल्लाह तबारक वाल का बहुत प्यारा अंदाज है उसकी हर अदा प्यारी है उसकी हर अच्छी प्यारी है, है। यहाँ एक सवाल किया जा रहा है लिमा दुल हमें क्यों पैदा किया गया हर चीज का एक मकसद होता है ना। तो लिमाना खुलिक ना हम किस लिए पैदा किए गए जवाब दिया गया इबादा अल्ला अल्लाह तबारक वो को पैदा किया है पैदा करने का मकसद क्या है इबादत तो इंसान की तखलीक का मकसद इबादत 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 का मकसद क्या है इंसान की तखलीक का मकसद अल्लाह की इबादत और इबादत का मकसद अब सवाल पैदा हुआ कि नहीं नहीं समझे इंसान की तख़लीक का मकसद उसके पैदा किए जाने का मकसद अल्लाह की इबादत बराबर है तो अब इबादत अब का मकसद क्या है जी यहां बताया गया उस सवाल का जवाब यहां है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है खुलता उमा खल जन्न सदून अल्लाह की इबादत के लिए त में उसका जवाब दिया गया और अब इबादत का मकसद क्या यहाँ जवाब दिया जा रहा है इबादत का मकसद या ल्ल्ली अल्लाह तबारक तआला की इबादत का मकसद तकवा है अगर इबादत के बाद आपको तकवा ना हासिल हो तो इबादत बेकार है और तकवा के बगैर इबादत सिर्फ और सिर्फ ढोंग है और कुछ नहीं तो तकवा और इबादत दोनों लाजम है जी इबादत का मकसद ये तकवा जी और तकवा ये लाजिम है इबादत के लिए कोई आदमी कहे मैं मुत्तकी हूं लेकिन इबादत नहीं कर रहा है छूट बोल रहा है हो। जी, ये बता। तो अल्लाह तबारक तआला का एक प्यारा ये बताया गया यहां पर कि जब वो जहन्नमियों का जिक्र करता है तो जन्नतियों का भी जिक्र करता है जी भलाई का जिक्र करता है बुराई का जिक्र करता है ताकि लोग भलाई को हासिल करें भलाई करें और बुराई शुरू करें यहां कहते हैं जब जन्नती जन्नत में जाएंगे कितनी चीजें देखो पहले है कि फल दिया जाएगा। ये सबसे बेहतरीन ये, क्या? मिन मिन अच्छा ये फल कैसा होगा ये जब दिया जाएगा ला करके तो ऐसा लगेगा जब दुनिया में सेब सेब दिया जाएगा ये खाइए सेब है खाएंगे अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा. फिर उसके बाद लाकर वही फल दिया जाएगा सेब लेकिन दूसरी बार जब दिया जाएगा तो उसका जायका दूसरा होगा तीसरी मरतबा वही फल ला करके कर दिया जाएगा जायका तीसरा होगा उसके बाद वही फल ला कर दे दिया जाएगा जायका चौथा होगा यानी जितनी मरतबा दिया जाएगा वो उतू भी मुतर भी है जी और जब जब यह दिया जाएगा कालू हादल नजीर कब इससे पहले तो यही फल दिया गया था जायका तो अलग है इसका ये जन्नती फल और दुनिया के फलों के दरमियान फर्क है अच्छा लड़कियां कैसी होंगी लड़कियों का बयान किया गया अब फल खा रहे हैं औरत भी तो होनी चाहिए ना अब देखो क्या है जी वी अजवाज बीविया कहा मुतहरा गया? मुतहरात नहीं कहा गया जबकि ये जमा है अजवाज तो मुताहरा लाना चाहिए ना जैसे कहा गया लाया वाहिद लाया गया बीवियां जमा है यानी कई बीवियां मिलेंगी लेकिन सिफत जो लाई गई वो मुतहर है वाहिद है सिंगुलर है वाय क्यों जवाब भी दिया गया कि औरतें बहुत सारी होंगी बीवियां आपकी बहुत होंगी लेकिन बातिनी अच्छाई और जाहिरी अच्छाई में पाकी में सबकी सब एक जैसी होंगी अल्लाह सबका मिजाज एक जैसा होगा और जैसे वो बातनी तौर पर पाक होंगी उसी तरीके से जाहिरी तौर पर पाक होंगी ये अजीब बात है और ताहरा नहीं कहा गया मुताहरा कहा गया यानी मुताहरा का मतलब पाक करना मुताहरा का मतलब पाक की गई पाक करने वाला कौन अल्लाह अब बताओ ऐसी औरतें जिनको अल्लाह पाक करे उनकी पाकी का क्या कहना है मैं कहता हूं हदीस भी है अगर एक लड़की वहां जन्नत की थूक दे दरिया में तो पूरे दरिया का पानी मीठा हो जाए जी 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 और गंदगी नहीं एक मुफस् ने इसकी तफसीर की है कि इसका मतलब समझते हैं मतहरा का लैसत मिम्मा के शौहर कोई ऐसी चीज देख ले जिसकी वजह से उसकी तबीयत मुकद्दर हो जाए <laughs> औरत बर्श कर रही है औरत जो है वो नहा रही होता से गलगल गल गल की, की कोई और हरकत है जिसकी वजह से आदमी जो है कहता है ये मुझे पसंद नहीं है यानी पाकि नहीं है न यहाँ जी जी इसलिए ज्यादा से ज्यादा ताहिर हो सकता है मुताहर तो नहीं हो सकता इसलिए कि अल्लाह तबार को ताला मुताहर करेगा ये बीविया पाक होंगी सबके जहरी पाकी बातनी पाकी अल्लाह अकबर अखलाक की पाकि आदाब की पाकि बस मुताहरा ने कमाल कर दिया है और वाहिद लाया गया है यानी बीविया बहुत होंगी लेकिन तहारत बातनी और तहारत जाहरी में सब एक होंगी इसी वजह से एक लाया गया मुताहरा नहीं लाया गया जी क्या बात है सहैन अल्लाह अल्लाह तबारक ने फरिश्तों से कहा मैं खलीफा बनाने वाला हूं जमीन में अल्लाह ने फरमाया कि मैं जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और मैं जानता हूं जो तुम छिपाते हो क्या फरमाया गया फरमाया गया व आलमुमा तुपून मा तुम तक तुम फरिश्तों से कहा मैं जानता हूं जो तुम छुपा रहे हो और मैं जानता हूं जिसको तुम जाहिर कर रहे हो ये फरिश्ते क्या जाहिर कर रहे थे? क्या छुपा रहे थे आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करे और खून ये।, ये, ये जाहिर किया उन्होंने जी और कहने लगे हम तस्वीर तकती के लिए काफी हैं ये जाहिर है। और छुपा क्या रहे थे अल्लाह तब युका

कि तमाम के तमाम सवाल के जवाब दे रहे हैं तो अल्लाह तबारक व वाला ने कहा जो चीज तुम छुपा रहे हो जो तुम चीज जाहिर कर रहे हो मैं जानता हूं और फिर अल्लाह तबारक व ने लिया इल्म के जरिए और इकराम किया वजदा कर सजा करा करके जी और उसके बाद इबलीस का जिक्र किया गया कि सजदे के लिए जब कहा गया तो तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए और इबलीस ने सज़दा नहीं किया एक नुक्ता नुक्ता यह है कि अपने कसूर को मान लेना यह है इंसानियत अपनी गलती का एतराफ कर लेना जी तो इंसान रहो अपनी गलती को मानो मेरे रब गलती हो गई मैं अपनी तमाम गुनाहों का एतराफ करता हूं जी और अल्लाह के सामने जब बंदा अपने गुनाहों का एतराफ करता है अल्लाह तबारक तला की रहमत जोश में आ जाती है बंदा कहता है मेरे रब में अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ तो अपने कसूर का अपनी गलतियों का एतराफ़ यह इंसानियत है और अपनी गलतियों पर अड़े रहना गलती है मगर वो मान नहीं रहा है तो एक है गलती पर अड़े रहना ये शैतानियत है और गलती पर अड़े रहने के साथ साथ ये कहना कि मैं जिस मौकफ पर हूं वही मौकफ सही है शैतान ने ये तो कहा था कि ये जो है आग से बना है हैं, मैं आग से बना मिट्टी से बना है भला आग मिट्टी के सामने कैसे झुक सकता देखो तावील कर रहा है वो तावील कर रहा है एक तो उसने हुक्म नहीं माना गलती की और इस गलती को वो सही साबित करने के लिए कोशिश सही साबित करने की कोशिश कर रहा है तो अपनी गलती को मान लेना यह इंसानियत है और अपनी गलती पर अड़े रहना और अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश करना यह शैतानियत है <laughs> अल्लाह तबारक ने हजरत आदम को कलेमा सिखाए खता दोनों से हुई इबली से भी हुई और आदम से हुई आदम से कहा गया था इस दरख्त के करीब मत जाना इसका फल मत खाना खा लिए गलती हुई ना और शैतान से कहा गया था कि सजदा का सजदा नहीं किया गलती दोनों से हुई लेकिन एक अपनी गलती पर जमा रहा और दूसरे ने अपनी गलती का नादिम हुआ इस नदामत की वजह से कि मेरे रब गलती हो गई ये नादिम होने का समरा देखिए अल्लाह फरमा रहा है मैं तुझे ऐसे कलेम सिखा रहा हूं उन कलेमात के जरिए मुझसे माफी मांग ये है तोबे तौफीक क्या कहा फतल का आदम उमिर रब ही आदम ने अपने रब से कलिमात हासिल किए यह तोबे तौफीक अल्लाह ने वो क़लिमात दिए तो दी ये कलिमा सीख ले और ऐसे ही बोल क्या मिन रब्बी कलिमात ये तोब तौफीक है फते ही अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की ये तोब ये ये कबूल है तो गोया आदमी नादिम हो अपने गुनाह पर तो अल्लाह तबारक व तोबे तोफीक अता करता है और तोबे तोफीक अता करने के बाद तोबे कबूल अता करता है तो एक है तौबा, तौफीक और एक कबूल बनी इसराइल में एक भतीजे ने माल हासिल करने के लिए अपने चचा को कत्ल कर दिया जी जी और एक नुकता बताऊं दुनिया में इस इसरू जमीन पर इंतहाई जलील कौम और सबसे परस्त कौम अगर कोई है तो यहूदी है और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन जी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन नंबर एक पे हैं ये जी सबसे बड़े परस्त वो सिर्फ असबाब देखते हैं मुसब्बिबुल असबाब को नजरअंदाज कर देते हैं हमेशा से उनका कायदा रहा आदमी सबब इख्तियार करे मगर सबब इख्तियार करने के बाद मामला मुसबुल असबाब के ऊपर छोड़ दे आदमी दुकान पर जाए यह सबब है डील करे यह सबब है लेकिन मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दे मेरे रब में दुकान पर आया मैंने वक्त दिया डीलिंग की सब कुछ किया सबब इख्तियार कर लिया मेरे रब अब फायदा पहुंचाना मेरी तजारत को फरोग देना ये तेरा काम है तो सिर्फ सबब मुसलमान इख्तियार नहीं करता बल्कि सबब इख्तियार करने के बाद मामला मुसबुल के ऊपर डाल देता है जी मामला असबाब को यहूदियों का सिर्फ असबाब है आज भी मुसबुल के ऊपर उनकी निगाह नहीं है उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ सिर्फ असबाब अल्लाह ने उनके असबाब की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं बराबर वही तस्करा है भला लाठी से पर अगर मारा जाए तो पत्थर से पानी निकलता है क्या सवाल पैदा नहीं मैं आपको दे रहा हूं आप ये डंडा लीजिए और मारिए पत्थर के ऊपर पानी निकालिए होता है ऐसा अल्लाह ने फरमाया देखो पत्थर के ऊपर लाठी मारने की वजह से बारह बारह चश्मे निकल पड़ रहे यहां सबब ही नहीं है सिर्फ है <laughs> सबब को दरमियान से हटा दिया गया आगे वहां जो कत्ल हुआ है वहां भी सिर्फ सबब है बहुत गौर से सुनो बहुत तेरी बात है। एक आदमी को कत्ल कर दिया गया उसका नाम आमिल बताया गया है और कातिल जो है वो खुद हजरत मूसा के पास आकर के खूंबा मांगने लगा कि कौन कत्ल करने वाला है कातिल से खूंबा दिलवाइए हजरत मूसा सलम ने दुआ की बहरहाल इन्होंने बहुत सारे सवालत किए सवाल जैसे जैसे करते गए सख्ती आती गई आखिर में इन्होंने इन कहा अब हम मान लेंगे इसका मतलब यह है कि जब कोई काम करने लगो तो इंशाला कह लिया करो बरकत होती है जी हर काम इनशादून जी एक काम है हुक्म क्या दिया गया कि अब ऐसा करो एक गाय जबा करो अच्छा गाय जबा किया उन्होंने गाय जबा करने के बाद गाय के गोश्त का एक टुकड़ा वो जो मरा पड़ा आदमी है उससे मस्त कर दो टच कर दो जिंदा होकर के कातिल का नाम बता देगा अल्लाह गाय जबा की गई उसके गोश्त का एक टुकड़ा लेकर के उस मरे हुए आदमी से टच किया गया आदमी ने जिंदा होकर के बता दिया कि यह भतीजा ही मेरा मेरा कातिल है आयत करीमा देखो फिर बहस करता हूं <laughs> हमने कहा रब फरमाते हमने कहा इसको मार उसके बाज के जरिए यानी ये मईत जो है मरा हुआ जो आदमी है इसको मार कैसे बेबाज है ये जो का टुकड़ा है गोश्त का एक टुकड़ा लेकर इससे मारो जिंदा होकर के ये नाम बता देगा बता दिया उसने। आप देख रहे हैं? आदमी मरा हुआ है गाय सफा करने के बाद गाय भी तो मर गई है गाय भी तो मर गई है। मरी हुई चीज का हिस्सा मरे हुए आदमी से टच किया जा रहा है तो एक मुर्दा चीज को टच किया जा रहा है मुर्दा से और वो मुर्दा जिंदा हो जा रहा है अल्लाह अकबर ये देख रहे हो आप सबक सबब कहा है ही नहीं डायरेक्ट मुर्दा से मुर्दा जिंदा होता है जी मुर्दा से मुर्दा थोड़ी जिंदा होता है गाय जबा करने के बाद मुर्दा हो गई और वाद में भी, भी मुर्दा था मुर्दे को मुर्दे से टच किया गया तो मुर्दा जिंदा हो गया है ऐसा कैसे यहां सब है ही नहीं डायरेक्ट है अल्लाह फरमा रहा है हम कह रहे हैं इस से तो बंदा कोई सबब इख्तियार करे तो सिर्फ सबब के ऊपर निगाह मत रखे उसकी पूरी निगाह उस यहां एक बड़ी प्यारी बात कही दिल जो है ना दिल ये पत्थर की तरह हो जाता है और यही नहीं कहा गया बल्कि पत्थर से भी सख्त हो जाता है देखो क्या कहा गया सुब को तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर और तो कसवा या पत्थर से ज्यादा सख्त अरे दिल तो एक नर्म चीज है ये पत्थर की तरह कैसे हो जाता है, है? और पत्थर से भी सख्त कहा गया है ऐसा कैसे कैसे समझे इसको इसको ऐसे समझें के पत्थर का, का काम क्या है सख्ती ना <laughs> अगर सख्त ना हो नर्म हो तो बिल्डिंग आप उठा रहे हैं पत्थर के जरिए बिल्डिंग धड़ाम से तो नीचे आ जाएगी सख्त है ना इस वजह से बिल्डिंग टिकेगी ouais. अगर नरमी आ जाए तो लोहा सख्त है अगर नर्म हो जाए तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी तो लोहे की फितरत क्या है सख्त होना अब वो जब तक सख्त रहेगा तब तक वो अपना काम कर रहा है नर्म हो जाए तो अपने काम के उल्टा कर रहा है वो ऐसा हो जाएगा ना नहीं समझे लोहे का काम क्या है लोहे की फितरत क्या सख्ती ना पत्थर की फितरत क्या सख्ती ना अगर ये सख्ती वो खो दे तो बिल्डिंग नीचे आ जाएगी वो अपना काम कर रहा है ना तभी बिल्डिंग टिकी हुई है ये लोहा सख्त है अपना काम कर रहा है बिल्डिंग टिकी हुई है पत्थर सख्त है अपना काम कर रहा है अपना काम कर रहा है बिल्डिंग टिकी हुई है ये अगर अपना काम छोड़कर नरम हो जाए बिल्डिंग धराम से नीचे आ जाएगी ऐसे ही पत्थर पर जब लाठी मारी गई तो उससे पानी निकल पड़ा जी पत्थर से पानी नहीं निकलता है पानी निकल पड़ा नरम हो गया वो ऐसे ही दिल अपना काम करना बंद कर दे तो जैसे पत्थर से पानी निकल आता है जबकि पत्थर से पानी निकलता नहीं ये दिल पत्थर हो जाता है अगर अपना काम बंद कर दे तो जी ये मतलब है उसका हां गौर करो उसके अंदर हां तुम कसत कुلوبكم من بعد ذلك فيك الحجاره وشد قسوه अल्लाह क्या कलाम इलाही है सुभान एक समुंदर है علوم का समझ में नहीं आता क्या बयान किया जाए और क्या छोड़ा जाए जी अल्लाह तबारक ताला ने यहूदियों को किताब दी थी देखो वही हाल हमारा है किताब दी थी रहा है। इनको किताब दी गई थी यहूदियों को इन्होंने अल्लाह की किताब को अपने पीछे डाल दिया जी मनमानी करने लगे किताब के मुताबिक अमल नहीं करते थे अब उसके बाद अल्लाह ने, ने इनको जादू में मुबला कर दिया उसके मान बात हज़रत सलाम का किस्सा है सलाम के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व ताली इनके ऊपर जितने अहकाम नाजिल करते थे वो किताब में लिख लेते थे जी और उसी के मुताबिक फैसला करते थे जी और उसको अपने तख्त के नीचे रखते थे जी। जी।, 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 जी जी जब आपका इंतकाल हो गया मर गए तो बदमाशों ने जिन्हों शयातिन ने खासतौर से दो यहूदी जी हारूत और मारूत बाद लोगों ने उनको यहूदी परिचित नहीं हो ऐसा कहा गया तो इन लोगों ने वो किताब वहां से निकाल ली और उसके अंदर जादू मिक्स कर दिया और लोगों के सामने आए और कहा सुलेमान अली सलाम जो जिन्नों इंसानों तोयूर और तमाम चीजों के ऊपर जो हुकूमत करते थे इसी किताब की वजह से इसी जादू की वजह से ये जादू था जादू की वजह से वो हुकूमत करते थे अल्लाह तवर फरमा जादू कुफ है

किसी चीज को छोड़ देता है जी मन तारा का मायन बिल जब आदमी ऐसी चीज को छोड़ देता है जो उसको नफा दे तो अल्लाह तबारक ताला इस नफा बख छोड़ने चीज को छोड़ने की वजह से उसे ऐसी चीज में मुबतला कर देता है जिसको नुकसान पहुंचाए ही आदमी सुन्नत छोड़ दे तो अल्लाह उसको बिदात में मुबतला कर देता है, जी। कि जो चीज नफा है उसको छोड़ दे, तो अल्लाह मुब्तला कर देता है ही, इन्होंने किताब को पीछे डाल दिया जो नफा बख्श चीज थे। ने इनको जादू में मुबतला कर दिया जो डायरेक्ट लिहाजा बचो नफा बख्श चीजों को जो अल्लाह तबारक ने तुम्हारे लिए रखी है उसको इस्तेमाल करो वरना तुमको ऐसी चीज में अल्लाह तबारक डाल देगा जो सरासर तुम्हारे हक में नुकसानदेह होगी जी हज़रत इब्राहिम अली सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि ये बुनियाद उठा रहे हैं किसकी काबा काबाकि अः बहुत वो काला घर बड़ा अजीब सा है <laughs> मैं तो देखती मैं, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे मेरी धड़कन इसी बढ़ गई थी खाली उस काले घर को देखने के बाद पता नहीं आदमी की क्या हालत हो जाती आप लोग गए हैं देखा होगा आपने उसको देखते ही अजीब कैफियत हो जाती है अल्लाह इसलिए कि अल्लाह तबारक तला ने फरमाया वो हम बयान करेंगे सूर्य इब्राहिम में अभी छोड़ दीजिए उसको कि काबा का ताल्लुक दिल से है जी जी तो यहां जो बात कही जा रही है ये कि वो उठा रहे हैं बुनियादें वही वियर इब्राहिम इब्राहिमी व इस्माइल हजरत इब्राहिम इस सलाम काबा की बुनियाद उठा रहे हैं ये दुनिया का पहला घर है जो अल्लाह की इबादत के लिए खालिश बनाया गया था हम चौथे पारे में इस पर बहस करेंगे तो मिनल व इस्माइल देखिये पहले इब्राहिम का तस्कर आया लेकिन घर के लफ्ज के बाद इस्माइल लाया गया इब्राहिम सलाम ये बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल इस्माइल का उठा रहे थे बुनियादें तो हजरत इब्राहिम उठा रहे थे इस्माइल का तस्करा क्यों आया इसलिए कि वो ईटन ला ला करके पत्थर ला ला करके दे रहे थे पता ये चला कि कोई नेक काम कर रहा हो और कोई नेकी में ताउन करे तो बेनही काम करने वाले की तरह होता है जी खैर कफाइली इसलिए के आदमी कोई नेक काम कर रहा हो और आप नेक काम में उसकी मदद करे तो आप काम नेक काम करने वाले ही की तरह है और वही स्वाब आपको मिलेगा जो नेक काम कर रहा है ये देखिए आप बेटा भी शामिल है उसमें ऐसा बेटा होना चाहिए जो नेक काम में बाप की मदद करे वही वियर फॉर इब्राहिम फो ऐसे बेटों की तरबियत कीजिए इस तरह वही वियर फॉर इब्राहिम बैत व्यर फो इब्राहिमाइल और एक चीज और कोई नेक काम करें तो उस पर मत करें जी बल्कि कबूलियत के लिए बार बार दुआ करते रहे वही वियरफो इब्राहिम इसमाइल रब बना तकबल मत समूल कोई भी नेक काम करें अल्लाह से कह दें मेरे रब इस बात को कबूल कर ले तू रब की निगाह में अगर कबूल कर ले तो छोटी चीज बड़ी हो जाती है कबूल ना करे तो कितना भी आप बड़ा काम कर ले अल्लाह की निगाह में बेकार है वो तो दर हकीकत कबूलियत ही, ही असली चीज़ है लिहाजा कोई नेक काम करने के बाद अल्लाह से दुआ करें और अब बना तक कितना बड़ा काम कर का रहे हैं सबसे पहला घर दुआ मांग रहे हैं और अब बना तक कोई तकबर नहीं है कोई किब्र नहीं है कोई उजब नहीं है और अबालना मुस्लिम जी हम वही से हैं जी हम इब्राहिमी सिलसिले से हैं जी मुस्लिम है हम जी ये हमारा एहसास है अलहमदिल्ला मुसलमानों का और अबना वजालना मुस्लिम जी हम उसी सिलसिले के हैं उसी सिलसिले के हैं बाप जब मरने लगता है तो बेटों को बुला करके दुनियावी चीज की बातें करता है ये प्रॉपर्टी यहां है बेटा ये ऐसा कर लेना वो घर ऐसा है उसको ऐसा कर लेना अरे जा रहा है तू ना भाई कुछ लेकर के जाने वाले, सुई तो लेकर जाने वाला नहीं है वो जो कपड़ा रहता है पांच गज का वही लेकर के जाता है जब तक जिंदा रहता है ये मेरा और वो तेरा है? एक सुई तो ले जाने की इजाजत है नहीं ये प्लेन ऐसा है डायरेक्ट इसमें ऐलान कर दिया जाता है जी कि इस प्लेन में कोई भी लगेज ले जाना ममनू है प्रोहिबिटेड है और जहाज के जो कैप्टन हैं वो हजरत मलकुल मौत हैं जी बहुत ही खतरनाक किस्म का कैप्टन है जी और ऐलान हो जाता है कैप्टन का ये जहाज में कोई भी लगेज नहीं चलता जी 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 जो आपके बदन पर है सिर्फ वही लेकर के आइए वो भी आपका उतार लिया जाएगा एक जगह पर और जब आप उठाए जाएंगे तो वहाँ से बिल्कुल नंगे रहेंगे आप आदमी को नंगा कड़ा होना अल्लाह के सामने ये मेरा रोह तेरा छेद तुम्हारी अकल पर जी तो ये जो है बेटों को बुला रहे हैं बेटों को बुलाने के बाद कह रहे हैं मेरे बच्चो न तुन्ना तो मुस्लिम मरना तो इस्लाम के ऊपर मरना ये मरते हुए बाप की तलकीन है बच्चों के लिए यानी वो दुनिया की बात कर नहीं कर रहे हैं दीन की बात कर रहे हैं और तोहहीद की बात कर रहे हैं किसकी इबादत करोगे तुम ये पूछ रहे हो जी बुदून अमिमबादी मेरे बात किसकी इबादत करोगे तुम मैं जब तक जिंदा था तब तक तो हम लोग मेरे कहने की वजह से मेरे बताने से, की वजह से अल्लाह की इबादत करते थे मेरे बाद मेरे चले जाने के बाद किसकी इबादत करोगे बात आबुदादी बेटे भी ऐसे थे तरबियत थी तोहेद के ऊपर सब सबसे सब पहले तरबियत तो की होनी चाहिए कुरान है, हकीम अकीदे की सबसे सब बड़ी किताब है जी कालू नाबुद इलाह का वह आबाई का हम इबादत करेंगे आपके महबूद की वाह आबाई का और आपके जो आबा वजदाद हैं इब्राहिम इसमाइल इसहाक और वो कौन है इलाह एक इलाह की हम इबादत करेंगे देखो तो बाप कह रहा है इबादत किसकी करोगे मेरे बाद हम इबादत करेंगे अल्लाह की जो माबूद आपके बाप का माबूद आपके दादा का माबूद माबूद एक मादूद। जी तो जब दुनिया से जाओ तो दीन दे करके जाओ दीन की वसीयत करके जाओ जी उसके बाद फरमाया गया सिबगत अल्लाह अल्ला का रंग ये लाजिम पकड़ो अल्लाह की तफसीर की गई इस्लाम से अल्लाह। ये अल्लाह क्यों कहा गया अल्लाह का रंग कहते हैं जिस तरह रंग का असर कपड़े के ऊपर जाहिर होता है ऐसे ही इस्लाम का असर मुस्लिम के ऊपर जाहिर होना चाहिए उसकी बात से उसकी चाल से उसकी ढाल से उसके लेन देन से जिंदगी के हर मामले में इस्लाम अगर जाहिर हो रहा है मुस्लिम से तो दर हकीकत अल्लाह का रंग उसके ऊपर चढ़ा हुआ है बहुत जैसे रंग होता है कपड़े अच्छा रंग जब किसी कपड़े को रंगते हैं तो कपड़े के अंदर बाहर एक एक जुज के अंदर ये रंग शराय कर जाता है ऐसे ही इस्लाम पूरा का पूरा तुम्हारी पूरी जिंदगी के अंदर कर जाना चाहिए जैसे कि रंग कपड़े के एक एक के एक-एक अंदर हो सकता है कोई रंग और नहीं हो सकता इस्लाम के अलावा अल्लाह तबारक के नजदीक कोई दिन पसंदीदा नहीं है सिवाई इस्लाम के जी उसके बाद कहा गया ना आमाला वालकुम आमाकुम जी तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल हमारे लिए हमारा अमल इसमें एक मुफसर ने लिखा है कि अल्लाह के दुश्मनों की मुशाबा से बचो जी इसलिए कि ये कहा गया हमारे लिए हमारा अमल तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल यानि मनतशब भा बेमिन फोमिन जो किसी कौम की मुशाबेत इख्तियार करे वो उन्हीं में से होगा यादव लाना आमालना वालकुम आमाकुम हमारे लिए हमारा अमल तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल फर और इस्लाम ये दोनों नदी के दो पार्ट हैं जो आपस में मिल नहीं सकते कभी भी जी उसके बाद एक आयत को दो मरतबा रिपीट किया गया है। दो मरतबा तिल का उम्मत खत मा कसब मा कसत पहली मरतबा यह कहा गया यहूदियों से यहूदी कहते थे हम चूंकि अंबिया के औलाद हैं हमारा इंतसाब हमारे बुजुर्गों की तरफ है अंबिया की तरफ लिहाजा हमें ये इंतसाब नजात का जरिया बन जाएगा हमारे लिए जी अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं है उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा तुमसे तुम्हारे अमलों के बारे में बुजुर्गों की तरफ ये सही नहीं है यह पहले कहा गया यहूदियों से उसके बाद तौर पर हम लोगों से भी कहा गया आज है फला कब्र से मुंसलिक हो जाओ फला कब्र वाले से फला पीर फला को पीर बना लो फला को मुर्शिद बना लो ये मुर्शिद और यह पीर हमारे लिए जरिए नजात बन जाएगा तिल निल्यौ। का का सब तुम वाला ना उनके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे बारे में उनसे नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल उनके लिए उनका अमल लिहाजा ये कहना कि फला से इंतसाब हमारे लिए जरिये नजात है दरहकीकत यह सरात मुस्तकीम से खतरनाक किस्म का इन्हराफ है और जो इन्हराफ आदमी को जन्नत से हटा करके जन्नत के रास्ते से हटा करके जहन्नम के रास्ते पर लगा देता है अल्लाह तबारक हमें में अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन